नमस्कार दोस्तों, हाल ही में लॉन्च हुआ है ओप्पो रेनो 11 सीरीज। अभी हम बात करेंगे ओप्पो रेनो 11 5G स्मार्टफोन के बारे में कि आप इस फोन को काफ़ी कम प्राइसिंग में कैसे बाय कर सकते हो या फिर आप इस फोन को एक्सचेंज पे कैसे बाय कर सकते हो, मतलब ओल्ड फोन को देकर आप इस फोन को कैसे बाय कर सकते हो, इसी के बारे में अभी हम बात करेंगे। और जो भी डिस्काउंट यहाँ पर मेंशन किया गया है उसे कैसे अप्लीकेबल करना है इसको हम देखेंगे फुल लाइव प्रूफ के साथ। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे इंडिया तक तभी आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। देखिए, ओप्पो रेनो 11 5G स्मार्टफोन काफ़ी अच्छे लेवल का स्मार्टफोन है। अगर हम बात कर ले स्पेसिफिकेशन के बारे में तो आपको देखने को मिलता है 6.7 इंच का कर्व एमोलेड डिस्प्ले जो कि आता है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। पीछे साइड से दिया गया है AI ट्रिपल कैमरा जहां पर 50MP का मेन कैमरा है जो कि आता है OIS और EIS सपोर्ट के साथ। उसके बाद 8MP का अल्ट्रा वाइड है, फिर 32MP का टेलीफोटो कैमरा और फ्रंट में दिया गया 32MP का सेल्फी कैमरा जो कि आता है सेंटर 3.5 होल के साथ। मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 के साथ ये फोन आता है जो कि आता है LPDDR4X रैम के साथ और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप के साथ। 5G फोन है तो आपको देखने को मिलता है 13 5G के वैन। 5000mAh का बैटरी दिया गया है जो कि आता है 67W चार्ज सपोर्ट के साथ। बाकी जो आपको मिलता है ओप्पो के फ्लैगशिप फोन में स्पेसिफिकेशन वो सारा इस फोन में भी है। अगर हम बात करें डिस्काउंट का तो इस फोन पर अभी डिस्काउंट काफी अच्छे लेवल का है। वैसे अभी इस फोन का हो रहा है प्री ऑर्डर, आप यहां पर देख पा रहे हो मेंशन किया गया है कि आपको मिलेगा 3000 का बैंक डिस्काउंट जो कि है ICICI बैंक के साथ। उसके बाद मेंशन किया गया है कि आपको मिलेगा 2000 का एक्सचेंज बाउंस भी। तो अभी हम एक ओल्ड फोन को ऐड करते हैं और देखते हैं एक्सचेंज करने के बाद क्या फुल डिस्काउंट हमें मिल पाता है या फिर नहीं मिल पाता है। जहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि ये डिस्काउंट मिल जाना चाहिए, तो मेरे पास एक ओल्ड फ़ोन है उसे मैं ऐड करता हूँ, उसके बाद देखते हैं प्राइसिंग वगैरह क्या देता है। तो मेरे पास है रेडमी K50F 5G स्मार्टफोन जो कि आप यहाँ पर देख पाओगे। ये फ़ोन काफ़ी अच्छे कंडीशन का है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं देता हूँ फ्लॉलेस। उसके बाद करना है नेक्स्ट। ये करने के बाद कुछ इस तरीके से प्राइसिंग शोकेस करेगा जो कि है 11,250 रुपये, आप यहाँ पर देख पाओगे। और नीचे में क्राइटेरिया बताया हुआ है कि अगर आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम पाया गया तो प्राइसिंग भी कम हो सकता है, ऐसा यहाँ पर बताया हुआ है। यहाँ पर जो मेरा ओल्ड फ़ोन है इसका प्राइसिंग दिया है 11,250 रुपये और इस प्राइसिंग में 2000 का एक्सचेंज बाउंस भी ऐड है। मतलब ओल्ड फोन का प्राइसिंग कुछ और दिया था और 2000 रुपये का एक्सचेंज बाउंस मिला है। दोनों को ऐड करने के बाद प्राइसिंग हुआ है 11,250 रुपये और बता रहा है कि आपको 3000 का और भी डिस्काउंट मिल सकता है जो कि आप यहां पर देख पा रहे हो मेंशन किया गया है कई सारे बैंक के साथ डिस्काउंट, जिसको हम देखेंगे पेमेंट के पेज पर के डिस्काउंट मिल पाता है या फिर नहीं मिल पाता है एक्सचेंज करने के बाद। बिकॉज बिना एक्सचेंज का तो डिस्काउंट मिल ही जाएगा, लेकिन एक्सचेंज करने के बाद अगर डिस्काउंट मिलता है तो काफी बेस्ट हो सकता है। चलिए हम चलते हैं पेमेंट के पेज पर और देखते हैं किस तरीके से हमें डिस्काउंट मिल पाता है। आप यहां पर देख पा रहे हो पेमेंट के पेज पे आ चुका हूं और यहां पर मुझे 3000 का डिस्काउंट मिल रहा है। SBI बैंक की क्रेडिट कार्ड के साथ भी मुझे 3000 का डिस्काउंट मिल रहा है। चाहे आप फुल पेमेंट कीजिए चाहे आप EMI पर लीजिए, दोनों कंडीशन में आपको डिस्काउंट मिलेगा 3000 का जो कि आप यहां पर देख पा रहे। उसके बाद यहां पर HDFC बैंक के साथ भी डिस्काउंट मिल रहा है 3000 का और जो ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है इससे मुझे मिल रहा है 2250 रुपये का ही डिस्काउंट जो कि आप यहां पर देख पा रहे। तो डिस्काउंट कुछ इस तरीके से मिल रहा है और डिस्काउंट करने के बाद ये फोन काफी सस्ते का पड़ने वाला है। बिकॉज आप यहाँ पर देख पाओगे बता रहा है कि आपको और पेमेंट करना होगा 16,000 रुपये, इसमें से मुझे 3000 का डिस्काउंट मिलेगा तब जाके ये फोन पड़ेगा अंडर 13K में। तो एक्सचेंज करने के बाद भी आप इस फोन को बाय कर सकते हो, एक्सचेंज बाउंस तो मिलेगा ही, प्लस में आपको बैंक ऑफर भी मिलेगा जिसका फुल प्रूफ आप यहां पर देख पा रहे। तो आप इस फोन को ऑर्डर कर सकते हो बिकॉज एक्सचेंज करने के बाद भी बैंक ऑफर अप्लीकेबल हो रहा है जिसका फुल प्रूफ आप यहां पर देख पा रहे।